नमस्कार, न्यू कॉबेट समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। माननीय हाईकोर्ट के रोक के बाद भी खेतों से हो रहे अवैध खनन पर ट्रांसपोर्टरों का विरोध प्रदर्शन। बेलपड़ा के सेमलचौर क्षेत्र में खेत से हो रहे अवैध खनन पर आज सभी दाबका क्षेत्र के रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टरों ने बेलपड़ा सेमलचौर में एकत्रित होते हुए इसका विरोध किया। ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि 28 फरवरी तक माननीय हाईकोर्ट ने इन खेतों से खनन पर रोक लगाई है, लेकिन इसके बावजूद भी स्टॉपिस्ट व क्रशर स्वामियों द्वारा प्रशासन की मिलीभगत के साथ अवैध खनन किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि यह खेत और स्टॉक LSC के है, जिनमें अवैध तरीके से खेतों को खोदा जा रहा है। ट्रांसपोर्टरों यह भी कहा कि लालकुआ स्टोन क्रशर के स्टॉक बेलपड़ा सेमलचौर के द्वारा दाबका नदी में रजिस्टर्ड वाहनों स्वामियों का माल भी नहीं खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि यह अवैध खनन को रोका जाए और दाबका नदी के रजिस्टर्ड माल की खरीदारी की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि 100 फुट से ज्यादा गहरे गड्ढे यहाँ पर प्रशासन की मिलीभगत के साथ खोदे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस पर प्रशासन द्वारा तुरंत कार्यवाही नहीं की जाती व इन स्टॉकिस्ट द्वारा दाबका नदी का रजिस्टर्ड माल नहीं खरीदा जाता तो आगे वह उग्र आंदोलन करेंगे। आप लगातार देखते रहिए न्यू कॉबेट समाचार। बेलपड़ा से न्यू कॉबेट समाचार की यह विशेष रिपोर्ट। चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खेतों का खनन बंद करो, खनन बंद करो, खेतों का अवैध खनन बंद करो। आज इकट्ठा इसलिए हुए हैं, दाबका नदी में जो खनन होता है सरकार जिसकी परमिशन देती है उसका माल ना लेके कृष्ण स्वामी खेतों को खोद रहे हैं और खेतों में 100 फुट गहरे गड्ढे कर दिए हैं, जिस पे हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाई गई है। उस रोक के बावजूद भी इसमें खनन हो रहा है, जो सब मिलीभगत से प्रशासन की मिलीभगत से किया जा रहा है। हम सब लोग दाबका के रजिस्टर्ड वाहन स्वामी हैं। ये स्टॉकिस्ट और क्रेशर स्वामी दाबका नदी से आने वाले माल की खरीदारी नहीं कर रहे हैं और यहाँ अवैध रूप से खेत खोद रहे हैं, कि वो खेत खोद रहे हैं जिन पे 28 फरवरी तक माननीय हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। हमारी मांग है कि ये हो रहे अवैध खनन को रोका जाए और दाबका नदी के माल की खरीदारी की जाए। अगर जो स्टॉकिस्ट या क्रेशर स्वामी दाबका नदी का माल नहीं खरीद रहे तो उनके स्टॉकों की परमिशन कैंसिल की। यहाँ लगभग 100 फुट गहरे खड्डे कर चुके हैं ये लोग।